हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजू हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके थे जो कि है इंटीग्रेशन, और हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। उसके कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में देखे हैं, चलो उन्हीं क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं आपका एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट, और वो आपको गिवन है x इंटू साइन एक्स स्क्वायर। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, ये सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, i के इक्वल टू लेट कर लेंगे x साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो, ऐसा हमने कोई फॉर्मूला नहीं देखा है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस तरीके का हमने देखा नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंज करके हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लेके आना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, किसी को एक टर्म को लेट कर सकते हैं टी के इक्वल, उसके बाद में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसको तो कर नहीं सकते क्योंकि एक्स इज इक्वल टू टी लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, सेम ही रहेगा, ये टी में चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी अगर हम लेट कर लें तो क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हम ले लेते हैं हम टी। तो जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा है, देन दोनों साइड में क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से आप देखो एक्स स्क्वायर की जगह तो टी रख देंगे, लेकिन यहाँ पे केवल x dx है और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 को भी हम उधर ले जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका अप्लाइज, देयरफॉर यहाँ पे देखो x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ये 2 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा dt बाई 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके i इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखो साइन एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे t रख देंगे हम यहाँ पे, तो साइन t इंटू x और dx की जगह ये क्या हो जाएगा dt बाई 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/2 आपका बाहर आ गया है, और यहाँ पे साइन टी इंटू डी टी। अब यहाँ पे देखना है स्टूडेंट्स, बहुत सारे बार आपसे मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में डिफरेंस नहीं पता होता है, दोनों हम कई बार इंटीग्रेशन की जगह डिफरेंशिएशन कर जाएंगे, इसका ध्यान रखना है आपको। तो ये ध्यान कैसे रखोगे, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कोस एक्स होता है, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स होगा, और आपका जो डी बाई डी एक्स है वो कोस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा कोस एक्स, यानी कि साइन एक्स का माइनस कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा आपका स्टूडेंट्स 1/2, तो बाहर है, और इसका साइन टी का माइनस कोस टी प्लस में सी, तो आई इज इक्वल टू ये निकल के आ रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई इज इक्वल टू आपको ये निकल के आ रहा है, लेकिन टी को हमने कुछ सब्स्टिट्यूट किया था, तो यहाँ पे टी की वैल्यू वापस रखनी है, तो टी क्या माना था हमने टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो टी की जगह क्या रख देंगे एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1 - 1/2 कोस एक्स स्क्वायर प्लस सी, जो कि आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ये कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका पार्ट है नंबर सेकंड है, और उसका भी इंटीग्रेशन करना है आपको, क्या है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन भी सेम तरीके से ही होगा, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसमें कुछ, तो सब्स्टिट्यूट हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ये देखेंगे, क्योंकि उसका डेरिवेटिव यहीं पे होना चाहिए। अगर हम एक्स स्क्वायर को क्या मानते हैं टी मानते हैं, तो 2x dx क्या हो जाता है 2x dx dt हो जाएगा, 2 को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे टी प्लस 1 का अंडर रूट ये हो जाएगा, टी प्लस 1 का अंडर रूट और यहाँ पे डी टी, तो उससे डेरिवेटिव नहीं होगा, तो क्या करें हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी स्क्वायर मान ले तो क्या होगा, कैसा रहेगा ये, शायद टी स्क्वायर मान ले तो यहाँ पे 2 टी
डीटी ये हो जाएगा। तो यहाँ पे चलो हम लेट करते हैं। सबसे पहले लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, क्योंकि अगर यहाँ पे चलो टी वाला बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस टी वन को हम क्या मान लें, अगर टी मान लेते हैं तो आपका टी की पावर फिर भी हो जाएगा, दोनों मान सकते हो आप, इसको टी भी मान सकते हो और ये भी मान सकते हो, चलो यही मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को हमने टी मान लिया है, दोनों साइड में डेरिवेटिव करेंगे तो देखो स्टूडेंट्स इम्प्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का 0 इज इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो नेक्स्ट में क्या जाएगा, यहाँ पे 2 को उधर ले जाएंगे तो x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब ये क्या बन जाएगा, तो अगर इसको i के इक्वल मान लें तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह t और x डी एक्स की जगह आपका x डी एक्स की जगह डी टी बाई 2 हो जाएगा। तो क्या बन गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बन गया है आई इज इक्वल टू 1/2 टी की पावर इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 डी टी। अब इसका एक्स की पावर एन से इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, आई इज इक्वल टू 1/2 टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट इंटीग्रल कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू में टी की पावर 3/2 अपॉन ये क्या हो जाएगा 3/2 प्लस में सी। तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1/2 और ये ऊपर चला जाएगा इनटू में चला जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस में सी, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो आई इज इक्वल टू टी की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे तो 1/3 टी की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स, ये थी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख देंगे उसकी पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके का। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट कि इन क्वेश्चनों को जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपसे सोल्व हो पाएंगे, अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन ले रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकेंड है उसका फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, आपको आई इज इक्वल टू निकालना है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स अपोन ई की पावर एक्स प्लस कोस एक्स और इसका डी एक्स निकालना है, यानी कि इंटीग्रल निकालना है आपको इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पे भी एफ ऑफ एक्स अपोन एफ डैश एक्स कहीं पे आपको दिखे इंटीग्रेशन में डी एक्स या टाइप, तो आपको एफ डैश एक्स को क्या मान लेना है, टी मान लेना है, इसको टी मान लेना है और फिर इसका डेरिवेटिव, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मिल जाएगा तो इसको टी मान लेना है। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो यहाँ पे हम इसको नीचे वाले को टी मान लेंगे डायरेक्टली। तो चलो यहाँ पे क्या करेंगे हम, लेट करते हैं ई की पावर एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी हमने लेट किया है, तो यहाँ से तो अगर हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे देन तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स इंटू में टी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। ये हो गया है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसको तो हम क्या रख सकते हैं, टी रख सकते हैं और ये क्या आ जाएगा हमारा डी टी हो जाएगा। तो सो आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपका नीचे तो क्या बन गया टी बन गया और ये क्या बन गया डी टी, डी टी बाई टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है वो आपको अच्छे से पता है, तो आई इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस टी प्लस में सी। अब टी की वैल्यू हमें फिर से उठा के रखनी होगी और टी की वैल्यू क्या है हमारे पास ई की पावर एक्स प्लस कोस एक्स है, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस ई की पावर एक्स प्लस कोस एक्स का मोड प्लस में सी। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है आपका जो इस तरीके से गिवन था, इसका आंसर ये निकल करके आ गया है।
अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन, वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। केवल आपको अगर लेट करना आ गया है कि किस टर्म को क्या लेट करें, तो उसके बाद में प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो ये हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका सेकेंड पार्ट आपको गिवन है। आपको आई की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इंटीग्रेशन निकालना है ए की पावर रूट एक्स इंटू कोस ए की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। तो देखो यहाँ पे क्या लेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यही बस समझने की बात है। यहाँ पे हम ए की पावर रूट एक्स को अगर टी लेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स टू रूट एक्स, टू को हम दूसरे साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे ए की पावर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, देन इसका डेरिवेटिव करें तो क्या हो आता है ए की पावर एक्स का, तो ए की पावर एक्स ही होता है, तो ए की पावर रूट एक्स, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे देखो ए की पावर रूट एक्स अपॉन एक्स है, ये 2 नहीं है, 2 को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई की पावर रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 इंटू डी टी। अब इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो कोस कोस इसकी जगह हम टी रख देते हैं, और जो बच गया ये और ये और ये, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका टी टी, ये हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब कोस टी का हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो आपको पता है कि जो कोस टी है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोस टी या टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है इसका साइन टी माइनस का, तो माइनस साइन टी, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टी का क्या होता है कोस टी, तो ये क्या है कोस टी है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन टी, तो आई इज इक्वल टू साइन टी प्लस में सी। अब टी की वैल्यू दोबारा से वापस रखनी है, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये रही ई की पावर रूट एक्स, तो आई इज इक्वल टू साइन ई की पावर रूट एक्स प्लस में सी, ये आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। अब एज ए होमवर्क आपको यही क्वेश्चन दोबारा से एक बार घर पे प्रैक्टिस करना है, और एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन यानी कि थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप करके देखें घर पे, होता है तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।